हेलो फ्रेंड्स चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक और नइट डिजाइन का डोरमेट तो देखिए जिसके लिए मैंने ये चार कलर वोल ली है येलो रेड फ्रोजी और ब्लैक तो हम इन चार कलरों से बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा डोरमेट बनाएंगे हम इसे पुरानी साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं ये देखिए ये मैंने नौ नंबर सिलाई ली है और इसमें डोरमेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये दस फंदे डाले हुए हैं आप अपने तरीके से जिस तरह से आपको आठ फंदे डालना आते हों उस तरीके से आप यहाँ पे डोरमेट बनाने के लिए दस फंदे डाल लेंगी मैं आपको दस फंदों में बनाकर बता रही हूँ अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो हाँ पे आप बीस फंदे डाल लेंगी तो बीस फंदों का भी काफ़ी बड़ा बनेगा अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप तीस तीस या छब्बीस फंदे यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगी तो देखिए फंदे डालने के बाद हम यहाँ पे दो सिलाइयाँ रेड कलर से ही बनाएंगे अगर आपकी ऊन पतली है तो आप ऊन को इस तरह से फोल्ड कर लेंगी अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप सिंगल ऊन से बना लेंगी तो यहाँ पे देखिए मैं डबल ऊन से बनाऊंगी तो डबल ऊन से बनाऊंगी तो ये देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे तो यहाँ पे हम रेड कलर से दो सिलाइया बनाएंगे इस तरीके से हम रेड कलर से दो सलाइया बनाएंगे पहला फंदा हमें उतार कर धागे को अपनी तरफ करना है तो प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा डोरमेट कैसा लगा तो यह देखिए यहाँ पे हमने ये एक सलाई और बनानी है तो ये हमने यहाँ पे दो सिलाइयाँ बना ली हैं ये देखिए एक सिलाई ये हमारी जो इसमें हमने फंदे डाले थे और दो सिलाइयाँ ये हमारी बनाई हुई है अब देखिए यहाँ पे हम इधर से येलो कलर को लगा देंगे अभी हम रेड का और येलो का बनाएंगे तो ये हमने रेड कलर को यहाँ पे लगा दिया है इस सॉरी येलो कलर को इससे भी हम यहाँ पे इसी तरीके से दो सलाइयाँ बनाएंगे दो लाइन येलो कलर से से भी हमें दो सिलाइया बनानी है देखिए हमने दो सिलाइया येलो कलर से भी बना ली हैं तो देखिए ये हमने दो सिलाइयाँ येलो कलर से बनाई हैं और इसके बाद हम फिर से रेड कलर से बनाएंगे तो इसी तरह से हमें यहाँ पे दो दो लाइन दो रेड की और दो येलो की इस तरह से हमें बनानी है यहाँ पे तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे हमारी छः लाइन येलो कलर की बनेंगी इस तरह से और सात लाइन हमारी रेड कलर से बनेगी तो चलिए हम बना लेते हैं इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने इस तरह से लाइनें बना ली हैं ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात तो सात लाइन हमारी ये रेड की है और छः लाइन हमारी ये, ये येलो की है तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हम इन सभी फंदों को घटा देंगे तो फंदे हमें सीधी तरफ से घटाने हैं ये देखिए ये हमारी सीधी तरफ है तो इधर से हम इन्हें सारे फंदों को घटा देंगे दो का एक करते हुए हम इस तरह से सारे फंदों को घटा लेंगे सीधी तरफ से चलिए तो देखिए ये हमने सारे फंदे घटा दिए हैं तो यहाँ से अब हम इस फंदे को बंद नहीं करेंगे यहाँ से यहाँ तक हमें फंदे उठाने हैं इसमें तो हम इसमें यहाँ से यहाँ तक इकतीस फंदे उठाएंगे तो चलिए हम उठा लेते हैं इकतीस फंदे तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे फंदे उठाएंगे एक दो तीन यहाँ पे हम हर एक सिलाई में से फंदा उठाते हुए जाएंगे। तो इसी तरह से हम इसमें इकतीस फंदे उठा लेते हैं तो देखिए ये हमने यहाँ पे इकतीस फंदे उठा लिए हैं तो फंदे उठाने के बाद हम देखिए पहली सिलाई से ही हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे हमें यहाँ पे पहले चौदह फंदे बनाने हैं ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो ये हमने यहाँ पे चौदह फंदे बना लिए हैं चौदह फंदा बनाने के बाद हम यहाँ पे तीन फंदे एक साथ घटाएंगे ये देखिए एक दो तीन तीन फंदों को हम यहाँ पे एक साथ घटा देते हैं इधर भी हमारे ये चौदह फंदे रह गए हैं हमारे दोनों तरफ चौदह चौदह फंदे हैं और ये हमारा बीच का सेंटर वाला फंदा है अब हम इन्हें भी इसी तरह से बना लेते हैं और सीधी सिलाई पे हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे उसे हमें उल्टा उल्टा बनाना है सीधी सिलाई को ऐसे ही बनाएंगे इसमें कोई फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है तो चलिए इस सिलाई को हम पूरा इसी तरीके से बना लेते हैं तो देखिए ये हमने सीधी सिलाई को बना लिया है फिर से हम उल्टी सिलाई पर हैं पहले हमने चौदह फंदे बनाए थे अब के हम तेरह फंदे बनाएंगे ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो ये हमने तेरह फंदे यहाँ पे बना लिए हैं और फिर से हम तीन फंदे यहाँ पे घटाएंगे तो इसी तरह से हम एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाते हुए जाएंगे तो इ, इधर भी हमारे तेरह फंदे हैं ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो तेरह फंदा हमारे इधर हैं और तेरह फंदे हमारे इधर हैं और ये हमारा सेंटर वाला फंदा है तो इसी तरह से हम दोनों तरफ से एक एक फंदा लेते हुए यहाँ पे तीन फंदे हर सिलाई पे उल्टी सिलाई पर हम घटाएंगे और सीधी सिलाई पर हमें कोई भी फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है ऐसे ही बनाना है हमें सीधी सिलाई पे तो चलिए हम सीधी सिलाई को बना लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने सीधी सिलाई को बना लिया है फिर से हम उल्टी सिलाई पर हैं तो अब हम यहाँ पे येलो कलर को लगाएंगे दो सिलाई बनाने के बाद हम येलो कलर को लगाएंगे। तो यहाँ पे हम येलो कलर से बारह फंदे बनाएंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये हमने बारह फंदे यहाँ पे बना लिए हैं और फिर से हम तीन फंदे यहाँ पे घटाएंगे तो देखिए तीन फंदे हम यहाँ पे इस तरह से घटाएंगे तो हर बार हम दोनों तरफ से एक एक फंदा लेते हुए तीन तीन फंदे घटा रहे हैं तो येलो कलर से भी हम दो सलाइयाँ यानी कि दो लाइन बनाएंगे हम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने ये रेड कलर की बनाई है यहाँ पे तो चलिए बना लेते हैं हम येलो कलर से इसी तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने दो लाइन येलो कलर से बना ली हैं अब हम फिर से रेड कलर से बनाएंगे तो इसमें हम अब रेड कलर को लगा देते हैं यहाँ पे हमें दस फंदे बनाने हैं रेड कलर से दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस फंदे हमने रेड कलर से बना लिए हैं और तीन फंदे हम फिर से घटाएंगे यहाँ पे आगे की फंदों को भी हम रेड कलर से बना लेते हैं अब देखिए यहाँ पे यहाँ से हम रेड कलर से ही सारे फंदों को घटा देंगे हर सलाई पे उल्टी तरफ़ से तीन तीन फंदे अब हम रेड कलर से ही बनाएंगे तो चलिए हम सारे फंदों को बना लेते हैं लास्ट में हमारे तीन फंदे रह जाएंगे तो चलिए मैं आपको बना करके दिखाती हूँ इसे ये देखिए फ्रेंड्स ये यह हमारे यहाँ पे तीन फंदे रह गए हैं तो इन्हें भी हम एक साथ घटा देते हैं तो ये हमारा पूरा बनकर कंप्लीट है तो इसे हम यहाँ पे यहाँ से ऊन को कट कर लेंगे इसे हम यहीं पे बंद कर देंगे तो ये हमारा इस तरह से एक पार्ट बन कर तैयार है और इसी हमें एक और पार्ट इसी तरह का बनाना है इसी कलर का तो चलिए हम बना लेते हैं इस कलर का एक और पार्ट तो देखिए फ्रेंड्स ये दो, दो कलर के येलो और रेड कलर के हमने दो पार्ट बना लिए हैं अब हमें यहाँ यह, 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 यहाँ 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 पे फिरोजी और ब्लैक कलर के इसी तरह से दो पार्ट और बनाने हैं तो चलिए मैं इस कलर के भी दो पार्ट बना करके आपको दिखाती हूँ ये देखिए दो पार्ट हमने फ्रोजी और ब्लैक कलर से बना लिए हैं तो ये हमारे चार पार्ट हो गए हैं अब हम इन सबका प्यारा सा सुंदर सा डोरमेट बनाएंगे तो देखिए किस तरीके से हम इन सबका बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक पार्ट हम इस तरीके से रखेंगे और फिर हम एक येलो और रेड का रखेंगे यहाँ पे और फिर से हम रेड फ्रोजी और ब्लैक का रखेंगे और इसके बाद हम फिर से इसे रखेंगे तो इस तरह तो से हमें ये चारों पार्ट रखने हैं अब हम इन चारों पार्टों में सिलाई लगाएंगे तो सिलाई हमें उल्टी तरफ़ से लगानी है तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं इनमें इस तरह से हम रखेंगे पार्टों को तो यहाँ से यहाँ तक हमें एक सिलाई लगानी है ऐसे ही हमें चार सिलाइयाँ इसमें लगानी हैं तो चलिए हम लगा लेते हैं इसमें सिलाई सिलाई हमें दोनों पार्टों में से दोनों तरफ से चैन लेते हुए लगानी है ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से दोनों पार्टों से चैन लेते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे अच्छे से तो इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है तो यहाँ तक हमें इसी तरह से लगानी है सिलाई तो चलिए हम चारों पार्टों को एक साथ सिल लेते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा डोरमेट बनकर कंप्लीट है तो देखिए बनने के बाद ये कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है और ये मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है हम इसे बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं तो देखिए ये बहुत ही प्यारा लग रहा है अगर आपको हमारा भी, हमारा डोरमेट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा अगर आप इसे ऐसे ही रखना चाहती हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं हम यहाँ पे कोई फ़्लावर या पम्पॉम्स भी यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं तो देखिए फम फ्लावर लगाने के बाद ये और भी सुंदर लग रहा है